हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज। आप लोग का आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड पढ़ा रहा हूँ। जो आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए, क्या बोला गया देखिए। बोला गया कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपया का इतना परसेंट के दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। चलिए, मतलब 2600 रुपये दिया, 2600 रुपये ब्याज भी पा रहा है, कितना दिन में पाएगा? चलिए हमको बताइए, आप लोग तुरंत सॉल्व करके बताइए। तो हम लोग ब्याज बराबर क्या जानते हैं, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। कोई दिक्कत क्या हो जाएगा? बोलिए, पी कितना दिया हुआ है, 2600 रुपये दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है, 6.2/3, यानी 6 × 2 = 18 × 20 = 20/3। कोई दिक्कत? ठीक है, बताइए, इतना तो कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, बटा 100 पे 100 काट देंगे, 2 × 2 = 2 × 2 = 2, मतलब कि आ रहा कितना, 26 × 52 = 520/3। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिन में होगा, चलिए देखिए। तो दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, आप लोग बोलिएगा हाँ दुगना हो रहा है। कितना दिन में होगा, यदि हम टाइम को हम 3 मान लें, एक्स की जगह पे हम 3 मान लें, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि हमको टाइम निकालना है। एक्स इक्वल टू कितना माने, 3 माने, यहाँ टाइम 3 माने, 3 × 3 = 3 कट जाएगा, यानी 26 × 52, ठीक है, दुगना हो रहा है, यही आप लोग से पूछा गया था, ठीक है। एक सेकेंड मैं देख रहा हूँ। चलिए, आप लोग को एकदम क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा मिलाना पड़ता है, समझे। आइए, क्वेश्चन नंबर था 16, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं क्या दिया गया। देखिए 17 नंबर देखिएगा आप लोग, चलिए बनाइए। 17 नंबर क्या दिया गया देखिएगा, 17 नंबर मैं इस जगह बता रहा हूँ, देखिए आप लोग बनाइए, तुरंत मैं खत्म कर दूंगा आज चैप्टर को, समझे। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस जगह बता रहा हूँ 17 नंबर, ठीक है। बोला गया 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया, मतलब कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। कोई दिक्कत यहाँ समझ लूँ को, एस आई मेरे पास कितना दिया हुआ, 1080 रुपया दिया हुआ, कितना रुपया के 30000 का है, कि 3000 का है, 3000 का है, कोई दिक्कत। गुने रेट कितना है, 12% है, रेट 12%, टाइम निकालना है बटा 100, कोई दिक्कत। 200 × 200 × 200 × 200, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, 3 से काटेंगे 36 बार में, 12 से काटेंगे 3 बार में, कोई दिक्कत। टी बराबर मेरे पास 3 ईयर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। बोलिए, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, 3 साल मेरा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं, 18 नंबर देखिए, चलिए बनाइए 18 नंबर, आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए 18 नंबर फटाक से। चलिए, बोला गया कोई धनराशि, यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर में आ रहा हूँ, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3000, ठीक है। 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 10 ईयर में बोलेगा 3000, और 8 साल में कितना हो रहा है, बोलेगा 2900, कोई दिक्कत। यहाँ गैप कितना ईयर का है, बोलेगा 2 ईयर का, 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, बोलिए 50 रुपया, कोई दिक्कत। चाहे हम इससे निकाले, चाहे हम इससे निकाले, मतलब ऊपर वाला चाहे नीचे वाला से, तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, बोलिए 8 साल का यदि ब्याज निकालेंगे, 8×5 = 400 रुपया ब्याज हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। 400 रुपया मेरा ब्याज है, कितना पर, 400 रुपया ब्याज है और मेरा इतना दे रहे हैं, तो 2500 रुपया मेरे पास अमाउंट होगा, कोई दिक्कत। शुरू में प्रिंसिपल 2500 रुपया था, क्योंकि 400 रुपया तो ब्याज दे रहे हैं 8 वर्ष में, ठीक है, 8 वर्ष में ब्याज दे रहे हैं, रेट हमको निकालना है बटा 100, 200 × 200 × 200 × 200, ठीक है। यहाँ 8×5 = 40, मतलब 50 बार, ठीक है, यहाँ 25 से कटेगा 2 बार, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 2%, नहीं दिख रहा है। चलिए, तो आर इक्वल टू लिख देते हैं इधर साइड, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2%, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा पूरा। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। 10 वर्ष में 3000 रुपया दे रहा है, 8 वर्ष में 2900 रुपया दे रहा है, 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 100 रुपया, 1 वर्ष में 50 रुपया, हम 8 साल के अनुसार निकाले हैं कितना रेट है,
तो 8 साल में 50 के अनुसार 400 रुपये साधारण ब्याज अमाउंट कितना हो जाएगा 2900 रुपये हम दे रहे हैं टोटल, तो प्रिंसिपल कितना था 400 रुपये, उसमें ब्याज भी जुटा हुआ था, प्रिंसिपल हो जाएगा 2500 रुपया, कितना साल में 8 साल में 400 रुपये हम ब्याज दिए थे, ईयर 8 साल, रेट आर निकालना है हमको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 चलिए 19 नंबर देखिएगा, बोला गया इसी को बता रहा हूँ 19 नंबर, कोई दिक्कत, बोला क्या गया 8 वर्ष में साधारण ब्याज के दर से दोगुना हो जाता है। मान लीजिए हम 100 रुपया दिए, ठीक है, आपको हम साधारण ब्याज में 100 रुपया दिए, आप हमको 200 रुपया लौटा रहे हैं, ब्याज कितना लौटाए हमको आप, एसआई लौटा रहे हैं कितना 100 रुपया आप लौटा रहे हैं कितना साल में, बोलिए प्रिंसिपल हम कितना दिए थे 100 रुपया लौटा रहे हैं कितना 2 साल में बटा 100, कोई दिक्कत, चलिए कितना साल में लौटा रहे हैं आप 8 वर्ष में, तो यहाँ रेट हो जाएगा आर इक्वल टू टी इक्वल टू 8 साल, हमको रेट निकालना है, 100 से 100 कट गया तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 12.5%, कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में यहाँ तक, ये 19 नंबर क्वेश्चन था, बताइए किन्हीं कहीं दिक्कत है बताइए। हम आपको ब्याज रूप में 100 रुपये दिए, आप हमको लौटाएं 200 रुपये 8 साल में, 8 साल में हमको आप 100 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं, मतलब कितना परसेंट हम रेट लगाए हैं आप लोग को ये बताना है, ठीक है, आप लोग के सामने दिख रहा है, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है बताइए, मैं बताऊंगा तुरंत। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा आप लोग, 20 नंबर देखिए, चलिए 20 नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर, चलिए 20 नंबर देखिए आप लोग पढ़िए, मैं बताता हूँ तुरंत, बोला गया है क्या बोला गया, बोला गया 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए, ठीक है, मूल पर साधारण ब्याज 25 रुपया है, 3 महीना में 25 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो बताइए उसका प्रिंसिपल कितना था, चलिए आइए देखिएगा, चलिए कितना मिल रहा है आपको, कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, इस जगह मैं 20 नंबर बता रहा हूँ, चलिए साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, हम देखिए फॉर्मूला जानते हैं, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, कोई दिक्कत, हमको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 25 रुपया मिल रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल को नहीं मालूम है हमको, रेट कितना है 5% के दर से 3 साल के लिए बटा 100, कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 20, किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए देखिए यहाँ 3 साल में 3 महीना है, 3 महीना को हम साल बदलने के लिए नीचे 12 कर देंगे, तो 3 × 12, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बोलिए 25 × 100 नहीं 20 × 80, तो 25 × 80 = 200, यानी कि 2000 मेरे पास प्रिंसिपल था, कोई दिक्कत किन्हीं को, आइए 21 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है देखिएगा, चलिए 21 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए, 21 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए क्या दिया गया है, चलिए 21 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए बताइए क्या दिया गया है, 21 नंबर में बोला गया है विकास ने कुल 30,000 उधार लिया, ठीक है, एक 12% के दर से और दूसरा कितना परसेंट की दर से बोलिए, दूसरा लगाया है 10% की दर से, ठीक है, तो बोला गया है क्या उसको इतना रुपया भुगतान किया, मतलब कि आप 30,000 लिए और 36,480 रुपया भुगतान किए, ठीक है, इसमें 30,000 आपको लिए थे पहले कर्जा में, तो आप भुगतान कितना किए 6,480 रुपया, ये ज्यादा आप भुगतान किए, कोई दिक्कत, इतना आप ज्यादा भुगतान किए, चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लोग क्या करेंगे देखिएगा, 12% के दर से 2 साल के लिए देगा तो 12 × 2 कितना हो जाएगा बोलिए 24 हो जाएगा, 24%, और वही राशि 10% के दर से 2 साल के लिए देगा 10 × 20%, देखिए कितना ज्यादा हो रहा है बोलिएगा 4% ज्यादा हो रहा है, वही इसके अनुसार है, आप इतना ज्यादा दे रहे हैं कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलिए 4% के अनुसार इतना है यानी कि 6,480 बटा 4% है तो गुणे 100 कर देंगे कोई दिक्कत, यहाँ आ जाएगा 1,62,000, कोई दिक्कत बोलिए 1,62,000 हो जाएगा, यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है बोलिए, चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको बताइए,
चलिए बोलिए अब क्या करेंगे, हमको इतना दूर तक तो आ गए, उसके बाद चलिए इसके बाद क्या करेंगे, कैसे बनेगा हमको बताइए। 162,000 तो आ गए, आप इस अनुसार से आए ठीक है। तो चलिए बनाइए, उसके बाद 10% और 12% के दर से दिया गया था ठीक है। तो 10 × 20 तो 3 × 60 चलिए निकालिए आप कैसे बनाइएगा, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा था दूसरा मेथड से बनाइए आप लोग। देखिए ये बहुत आप लोग बोलिएगा समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इसके बाद टोटल मेरे पास इतना अमाउंट हो गया ठीक है, उस मेथड से बनाएंगे ना तो सेम चीज आएगा समझे। उस मेथड से यदि बनाएंगे, इस मेथड से बता रहे हैं, एक्स मान के बनाएंगे तो सेम चीज आएगा, बट उसमें आप लोग को क्लियरिटी मिलेगा, इसमें नहीं मिल पा रहा आप लोग समझे, यही मेन दिक्कत हो रहा है। आइए हम देखते हैं एक्स मान के बनाते हैं। चलिए आइए इसको मिटाना पड़ेगा फिर तो पूरा, आइए एक्स मान लेते हैं। चलिए देखिए क्या मिलेगा, इसको रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ राशि मतलब x परसेंट के दर से, x राशि दिया कितना परसेंट की दर से, मान लिया x दिया 12% के दर से 2 साल के लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत। और फिर क्या प्लस 30,000 माइनस x कितना परसेंट की दर से दिया बोलिए, 10% के दर से 2 साल के लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है। उसके बाद हमको कितना ज़्यादा मिल रहा है, अभी कितना ज़्यादा मिला था बोलिए, 6,480 रुपया, इतना हमको ज़्यादा मिल रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना हमको ज़्यादा मिल रहा है। अब बताइए किस प्रकार से ही बनेगा, काटिए आप इसको, कट्टन कुट्टी कीजिए कैसे कटेगा बताइए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, चलिए 50 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6/25, इसको हम लिख सकते हैं 6x/25 प्लस, इसको काटिए क्या हो जाएगा बताइए, काटिएगा तो क्या होगा, काटिए यहाँ काटिएगा तो 20/25 100, कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यानी हो जाएगा 30,000 माइनस x/5 इक्वल टू 6,680 रुपया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, इसके बाद आप क्या कीजिएगा। चलिए उसके बाद आप एलसीएम लीजिए या गुना करवाइए, गुना करवाइए तो क्या हो जाएगा बताइए हमको, आप गुना करके देखिए आप बताइए, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x+1.5 लाख, कोई दिक्कत, 6+1.5 लाख, उसके बाद क्या होगा माइनस 5x/6,480 जो है उसको हम 25 से गुना करेंगे क्योंकि एलसीएम नीचे 25 नहीं है, तो 6,480 × 25, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, तो इसको आप गुना कीजिएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा, देखिए 6x+1.5 लाख माइनस 5x/1,62,000, देखिए सेम आया ना, यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 1,62,000 माइनस 1.5 लाख, कोई दिक्कत बोलिए, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12,000, मेरे पास x का मान आ गया 12,000, शायद वही पूछा था, हाँ x का मान 12,000। चलिए मेरे पास आंसर हो गया 12,000, किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में, चलिए बताइए दिक्कत है तो। इस जगह मैं एक स्टेप छुपा दिया हूँ, इसका एलसीएम लिया 25 हो जाएगा ठीक है, यहाँ गुना होगा, चलिए देखिए 25 होगा ना, 25 गुना किया तो 5 कटेगा, तो 3×5 150 देना होगा 1.5, यहाँ 5 से गुना होगा 5x, इधर आके 25 गुना हो गया। चलिए कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए इस क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम, 22 नंबर बनाइए, 22 नंबर बनाइए, 22 नंबर में क्या दिया गया, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए मूलधन, मूलधन किसको बोलते हैं, SI जो है मूलधन का मतलब प्रिंसिपल का 1/4 है ठीक है,
कोई दिक्कत, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, एस आई मेरे पास आ जाएगा एक, प्रिंसिपल हो जाएगा चार, कोई दिक्कत। हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना कितने वर्ष बराबर दिया हुआ रेट। तो एस आई इक्वल टू एक बराबर क्या होता है, चार गुने आर और आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत, बटा 100, यहाँ हो जाएगा 25 बार में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 5, कोई दिक्कत किन्हीं को, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर 5, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 22 नंबर था, ये 22 नंबर था, ये 21 नंबर था, देख लीजिए एक बार दोनों को जरा सा, एक बार एक नजर मार लीजिए किस प्रकार से बना, देखिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, 23 नंबर बनाइए, 23 नंबर एक बार देखिए बनाइए खुद से, आइए इसको यूज कर रहे हैं, क्या बोला गया देखिए, बोला गया है 10,000 का साधारण ब्याज 6 वर्ष के 6% वार्षिक दर से 450 रुपया है, मतलब एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है, ठीक है, बटा 100, तो कितना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मेरे पास दिया हुआ 450 रुपया, कोई दिक्कत, प्रिंसिपल मेरे पास कितना 10,000 है, ठीक है, रेट मेरे पास 6% है और टी बराबर हमको निकालना है बटा 100 होता है, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कोई दिक्कत, बोलिए यहाँ हो जाएगा क्या, तो टी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 45/60, कोई दिक्कत, गुने 12, हमको मंथ निकालना है 12 12 25 60, यहाँ हो जाएगा 9 5 45, मतलब 9 मंथ, टी बराबर 9 मंथ, कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 23 था, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, चलिए देखिए आप लोग किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है कहीं पे भी तो बताइए, चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 24 नंबर बनाइए, 24 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग, 24 नंबर में आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, साधारण ब्याज के वार्षिक दर 11.5 से 10.5 हो जाता है, ठीक है, मतलब कि पहले 11.5 था, अब हो गया 10%, ठीक है, तो हमको क्या हो रहा है, 1.5% का अथी हो रहा है लॉस, उसके अनुसार हानि कितना हो रहा है, बोलिए 55.50 का हानि हो रहा है, कोई दिक्कत, तो हम इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं 55.50 बटा 1.5 गुने 100, काट कूट के लाइएगा क्या हो जाएगा 37,000, चलिए किसी को कोई दिक्कत, 3700 हो जाएगा, ये हम कंफ्यूज में जल्दी जल्दी में, चलिए यहां तक समझ में किसी को दिक्कत, 1.5% घट रहा है ब्याज, इसके कारण हमको इतना लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मूलधन क्या था, शुरू में हम कितना पैसा लगाए थे, तो 3700 रुपया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर बनाइए, चलिए 25 नंबर पढ़िए आप लोग, ये 24 नंबर था 23 था, इसको आप बता रहे हैं 25 नंबर बनाइए, 25 नंबर देखिएगा किस प्रकार से बनेगा, चलिए 25 नंबर बनाइए, यहाँ पे 25 कर लीजिए आप लोग, चलिए बोला गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.2% है, 8% हो जाने के कारण, मतलब पहले था क्या 6.5%, हो गया कितना 8% के कारण, ठीक है, वृद्धि कितना हुआ बोलिए, यहाँ वृद्धि हो रहा है क्या बताइए, 1.5 का वृद्धि हो रहा है, इसके अनुसार वृद्धि कितना हो रहा है बताइए, 40.50 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, हाँ वैसे 40.50 का वृद्धि, यहाँ वृद्धि हो रहा है 1.5 का गुने 100,
चलिए गुना कीजिएगा कितना आएगा बताइए, गुना कीजिएगा तो आप लोग कितना आ जाएगा हमको बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2700। कोई दिक्कत? आइए 26 नंबर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। 26 नंबर देखिए एक बार, क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं। चलिए 26 नंबर आइए, 26 नंबर में दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज के एक विशेष दर पर दो वर्ष में उधार दिया गया, 1% के अधिक होते हैं, ठीक है, मतलब दो वर्ष में 1% अधिक होता है, मतलब 2×1 होगा तो क्या 2% अधिक होगा, उसके अनुसार कितना अधिक होता है, 240 रुपया, ठीक है, 240 अधिक आय हुआ, 2% बराबर 240×100, यहां से काटिएगा 120 = 12,000। मेरे पास प्रिंसिपल था शुरू में, चलिए कोई दिक्कत किसी को, धन कितना था 12,000 लिखा हुआ है। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, देखिए आप लोगों ने आइए 27 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 400 के दो भागों में साधारण ब्याज की दर से 4,000, ठीक है, एक लगाया है 8% की दर से, एक लगाया है 10% की दर से, ठीक है, और कुल ब्याज कितना मिला है, कुल ब्याज मिला है मेरे पास 352 रुपया, ठीक है। चलिए देखिए कुल ब्याज जो मिला 352 रुपया मिला है, कितना पे कुल ब्याज हमको कितना मिला, 352 रुपया, 352 रुपया कितना मिला, 4,000 रुपये, कोई दिक्कत, गुने 100, 2×0 कट गया, यानी कि रेट मेरे पास 8.8% की दर से था, एक लगाए 8% की दर से, दूसरा लगाए 10% की दर से, अब कुल कितना रुपया लगाए थे 8.8% की दर से, कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 1.2, यहाँ हो जाएगा इसमें से ये घटाना, इसमें से इतना घटाना, एक बार इसमें से इतना घटाना, हो जाएगा 0.8, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4×3=12, 4×2=8, कोई दिक्कत। चलिए 8% की दर से आपको पूछा है, टोटल 4,000 रुपया था और टोटल कितना 3×2=5, पूछा गया 8% की दर से, मतलब इसका मान पूछा गया हो जाएगा 3 = कितना हो जाएगा बोलिए 2400। किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में बताइए, किन्हीं को कहीं भी दिक्कत है तो 1% भी दिक्कत है तो बताइए हमको, तुरंत समाधान निकलेगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 28 नंबर, चलिए बताइए, कोई धन राशि कोई साधारण ब्याज दर 30 वर्ष में 3× हो जाता है, मान लिए हम 100 रुपया लिए थे आपसे उधार, आपको लौटा रहे हैं कितना 300 रुपया, ब्याज कितना दे रहे हैं 200 रुपया दे रहे हैं, कितना साल में बोलिए, कितना साल में 30 साल में दे रहे हैं, उन्हें टाइम निकालना है बटा 100, यही 100 जो है तो हम खरीद लिए थे आपसे कर्जा में, 100 × 100, 100 × 100 कट गया, 100 × 100 कट गया, टी बराबर कितना आ जाएगा 6×2/3 ईयर। चलिए कोई दिक्कत ये नहीं, रेट निकालना है, रेट निकालना है, रेट परसेंट तो 6/2% हो जाएगा, और क्या परसेंटेज लगा दिया यहाँ पर, बात खत्म। चलिए यहाँ हो गया कितना 6×2/3%, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर देखिएगा, 29 नंबर क्या दिया गया है, 29 नंबर में आप लोग को दिया गया है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 10 वर्षों में कितना हो जाता है, ब्याज 2 मिलता है और मूलधन कितना 5 है, ठीक है, ऊपर वाला हो गया ब्याज, नीचे वाला हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, बताइए क्या होगा रेट, आपको बता दिए हैं क्या कौन सा क्या है, जो ऊपर वाला साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है बोलिए, साधारण ब्याज मेरे पास आ रहा है 2, SI बराबर आ गया 2, प्रिंसिपल बराबर मेरे पास 5, ठीक है, और टाइम बराबर मेरे पास हो गया 10, फॉर्मूला आइए SI = P×R×T/100, ठीक है, SI कितना है 2 है, प्रिंसिपल कितना है 5 है, रेट कितना है, रेट निकालना है, टाइम कितना है 5 है बटा 100, कोई दिक्कत, 25×100 R = 8%। चलिए एक मिनट नहीं, देखिए टाइम यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2,
तो रेट बराबर हो जाएगा क्या 4%। चलिए तो दिक्कत किन्हीं को, यहाँ भी हम 5 मान रहे थे इसीलिए गलती हो गया, टाइम देखिए 10 है यहाँ पे। आइए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 30 नंबर बनाइए, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, 30 नंबर बनाइए आप लोग। चलिए बोला गया है, क्या बोला गया पढ़िए एक बार, हर चीज हमें बोल रहे हैं। देखिए आज वैलेंटाइन डे है, ठीक है, आज वैलेंटाइन डे है, तो आराम से कुछ नहीं करना है, घर में बैठिए, किताब खोलिए, बस एक ही चीज सोचिए कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है मेरे पास बुक है, और कुछ नहीं है धरती पे, ठीक है, क्योंकि धरती पे कोई किसी का साथ नहीं दिया है, हम बता रहे हैं, कोई भी इंसान आपके साथ है तो सिर्फ मतलब का साथ है, जान लीजिए, ना कि आपका कोई हेल्प करेगा। यदि आप किसी का निस्वार्थ भाव से हेल्प कर रहे हैं ना, फिर भी वो आपको धोखा देगा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सब का मास्टर रह चुका हूँ, समझे, इतना क्या बताऊँ आपको, लव इमोशन प्यार कुछ नहीं है धरती पे। हमारा जो है, हमारा दिल कोई काम करता है बताइए, शरीर में कोई भी काम जो बोलता है कि मेरा दिल टूट गया या कुछ हो गया, कुछ नहीं करता दिल, दरअसल दिल का एक काम ही नहीं है कि लव और इमोशन पैदा करे, ठीक है, लव इमोशन पैदा करने के लिए हमारे बॉडी में एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, वही आपको बताता है कि क्या इमोशन है मेरे दिल में या क्या प्रकट करना है किसी के सामने, समझे, या आप लोग को पढ़ना जीके में, और जो बोलता है कि मेरा दिल टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, टूटता कुछ नहीं है, वो मेरा हाइपोथैलेमस नाराज हो जाता है। देखिए किसी का भी कुछ चीज का भी मन कर रहा है ना, समझिए कि मेरा हाइपोथैलेमस बोल रहा है कि करो बेटा, तुमको करना चाहिए, आप पढ़ भी रहे हैं ना, तो आपको बोल रहा है कौन पढ़ने के लिए, वही पढ़ रहे हैं किसी चीज के इमोशन के कारण कि हाँ हमको माँ बाप को कुछ करके दिखाना है, ना कि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। कोई भी इंसान अपना पेट तो कोई भी पाल लेता है, समझे, पढ़िए आप सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, और कुछ नहीं धरती पे। जो सोच रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आज वैलेंटाइन डे नहीं मनेगा, मेरी कोई नहीं है, भाई कुछ नहीं धरती पे, सब एक चोचलापा है, समझे, बस खुश रहिए, एंजॉय कीजिए आराम से, बिंदास, नहीं कुछ है, अपने घर में बैठे रहिए, हिंदी मर्जी, क्या वैलेंटाइन डे मनाना है। अच्छा आज हम लोग जान रहे हैं वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, बचपन में लोग जानते थे, कोई बताइए तो, कि वैलेंटाइन डे भी कुछ होता है भाई, इस समय कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैसा खर्च करने का तरीका है, समझे, कि वैलेंटाइन डे के नाम पे इतना उड़ाएं, इधर गए घूमें, कुछ नहीं, आराम से घर में बैठिए, किताब को भी खोलिए, रिविजन मारिए, बस आप लोग का एग्जाम नजदीक आ चुका है, ठीक है, वैलेंटाइन डे का कथा समाप्त हुआ, अब पढ़िए। बोला गया एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है, मान लिया हम 100 रुपया आपसे उधार लिए थे, लौटा रहे हैं 200 रुपया, तो ब्याज कितना दे रहे हैं हम लोग, SI कितना दे रहे हैं बोलिए, 100 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया हम दे रहे हैं कितना साल में, बोलिए कितना साल में हम लोग दे रहे हैं 100 रुपया, 10 साल में दे रहे हैं, हमको रेट निकालना है बटा 100, ठीक है, यहां से यहां कट गया, R = आ गया 10%, कोई दिक्कत, एक सेकेंड, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इतना हो गया, बोल रहा है 3 गुना कितने वर्ष में होगा, 3 गुना मतलब हमको साधारण ब्याज चाहिए 200 रुपया, कितना पे, 100 पे, ठीक है, 10% का रेट है बेटा 100, कोई दिक्कत, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, हमको टाइम निकालना है, 10 से 10 कट गया, टी बराबर कितना आ गया 20 वर्ष, कोई दिक्कत, 20 वर्ष आ गया। चलिए 20 वर्ष मेरा आंसर हो गया, हम इस मेथड से चल गए, इसीलिए आपको इस मेथड से बता दिए, नहीं तो दूसरा मेथड भी है इसका, देखिए जितना ब्याज मिल रहा है दुगना हो रहा है, मतलब कि 10 वर्ष में कितना होगा, 1 गुना होगा, 1 घटा दीजिए, हमको 3 गुना चाहिए था, हमको 2 चाहिए ब्याज, तो इससे 2 गुना कर दीजिए, 10 गुनी 20 वर्ष, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है याद करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक, भाई बड़ा मच्छर है यार, क्या कीजिएगा, मच्छर जिंदा नहीं रहने देता है।
चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर था, 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्या दिया हुआ आप लोग को, क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो बोलिए, हम पढ़ के बताएंगे। चलिए पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन, टेंशन नहीं लीजिए, नहीं दिख रहा है फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, अब पीडीएफ सही मिलेगा आप लोग को, आज भर जितना कष्ट था कष्ट कर लीजिए, अब से पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है, पीडीएफ एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा आज के बाद। चलिए बोला गया कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाता है, ठीक है, 40% वृद्धि हो रहा है, डायरेक्ट निकालिए, 40% वृद्धि हो रहा है, 5% पहले था, कितने साल में मान लीजिए बढ़ेगा, था 8 ईयर, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत, या फिर दूसरा तरीका क्या है, बोलिए बोलिए, है तो सेम ही चीज बट होगा वही चीज, समझे, बनाइए क्या होगा, एक फॉर्मूला लगेगा, 100 मान के बनाइएगा, मान लीजिए 100 था, हो गया 140, ऐसे ही बनाएगा, सेम चीज होगा, समझे, पूछिए कैसे, निकालिए 7/5 हो जाएगा, 7/5, उसके बाद क्या कीजिएगा बोलिए, ब्याज हो रहा है 2, 100 पे ब्याज हो रहा है 2/5/5, कोई दिक्कत, अब निकालिए फिर भी कितना आएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 100/2×25, 25×100=8 ईयर, कोई दिक्कत, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, 32 नंबर बोला गया, एक व्यक्ति 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आया क्रमशः कितना 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 पे, बोलिए 6 वर्ष के लिए कितना लगाया, 10% की दर से, यही ना जी, 10 वर्ष के लिए कितना लगाया, 12% की दर से, ठीक है, कोई दिक्कत, एक लगाया है 12×15, यही ना, चलिए ठीक है, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 180, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तीनों बराबर है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है, बराबर ब्याज मिल रहा है, ए दिया हुआ है, हाँ चलिए बराबर ब्याज मिलते हैं, ठीक है, तो हमको तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 180, कितना आएगा, 60, 360 आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ए का 360, 6×6=36, बी का कितना होगा, 12×3=36, सी का कितना होगा, 18×2=36, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 32 था, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 दिख गया आप लोग को क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर आइए, चलिए 33 नंबर आप लोग पढ़िए एक बार, बोला गया एक व्यक्ति 10,000 को एक भाग को 5%, दूसरे भाग को 6%, ठीक है, चलिए इसको बनाइए, यदि 5% निवेशी 6% निवेशी राशि से इतना अधिक है, ठीक है, तो हमको बताना है, चलिए क्या होगा, बनाइए 1% बराबर कितना हो जाएगा, चलिए बनाइए, देखिएगा क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तो एसआई बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, ये तो आपको हम प्रैक्टिस शुरू में स्टार्टिंग करवा रहे हैं अंग्रेजी से, उसके बाद हम एसएससी का बुक से कराएंगे, उसके बाद रेलवे का हर टाइप कराएंगे आपको, ठीक है, बोला गया क्या बताइए, बोला गया 5% से बढ़ के 6% हो गया, कोई दिक्कत, इसके अनुसार एक बढ़ रहा है, बढ़ गया कितना, 76.50 बढ़ रहा है, 1% बराबर 76.50/1% × 100 कितना हो जाएगा, 7650 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, चलिए उसके बाद क्या बोला गया, यदि हम 5% की दर से देते हैं 10,000 तो कितना हो जाएगा, बोलिए 50,000 हो जाएगा, 10×50,000 −7650, कोई दिक्कत, उसके बाद घटा कितना आएगा, घटाइएगा आ जाएगा कितना, 42,250, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, 42,350 रुपया आएगा, किसके 6, 5, 11% दर से टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 6, 5, 11,
ग्यारह से काटिएगा कितना और कटेगा बताइए। ग्यारह एक्स मान लीजिए, ग्यारह से काटिएगा कितना और कटेगा, एक्स इक्वल टू बोलिए, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 3850 रुपया मेरा आंसर। कोई दिक्कत समझने में, क्यों कोई दिक्कत बताइए। 6 5 11 दोनों का निकालना था हमको, ठीक है। चलिए बोलिए, एक्स का मान कितना आ गया बोलिए। नहीं समझ में आया बोलिए, एक्स मान के बताते हैं, छोड़िए इसको टाइम। चलिए इसको नहीं समझना है, गोली मान ली। देखिए क्या बोला गया, बोला गया आप लोग को कुछ ही बोला गया बताइए। बोला गया क्या, एक व्यक्ति 10,000 को एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% की दर से लगाता है, ठीक है। चलिए तो पहला भाग हो जाएगा 10,000 - x लगाया 5% की दर से, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, एक साल के लिए बटा 100, ठीक है। प्लस क्या, प्लस होगा या माइनस होगा, अधिक मिल रहा है यानी कि माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ हो जाएगा। माइनस कितना बोलिए, एक्स गुने 6% के दर से लगाया 100, कितना वृद्धि हो रहा है, 76.50। चलिए 76.50 हो रहा है वृद्धि। अब इसको काटम कुटी कीजिए, यहाँ से कट जाएगा, ऐसे ऐसे कट गया। चलिए यहाँ आ जाएगा 50,000 -5x - 6x = 7650, क्योंकि 100 ले जाके गुना हो गया, ठीक है। ये काटे नहीं है मतलब, समझिए ऐसे लेके उस साइड गुना कर दिए, ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा इसलिए बोलिए। अब क्या होगा बताइए, बोलिए यहाँ हो जाएगा -11x बराबर कितना आएगा, 42350, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को बोलिए। चलिए 42350 हो गया, यहाँ तक किसी को समझने में बताइए। तो माइनस में भी आएगा क्योंकि 50,000 ले जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा। देखिए एक्स किस में माने हैं, एक्स इसमें माने हैं तो उसी का मान निकल जाएगा कितना, 3850 रुपया। चलिए यही हम बताए थे उस टाइम पर, उस टाइम आपको हम ज़्यादा शॉर्ट लेक्चर गया इसीलिए पता नहीं चला होगा। चलिए देखिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 34 नंबर देखते हैं। चलिए बनाइए, 2500 का 6 वर्ष के अंत में उचित ब्याज 1650 रुपया है, ठीक है। ब्याज मेरे पास 1650 रुपया है, कितना राशि पर, 2500 के राशि पर, ठीक है, तय किया गया 6 वर्ष में बटा 100, 1 2 3 4, ठीक है। यहां से काटिएगा, रेट बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 11%, कोई दिक्कत। बोला गया क्या, 6875 उसी रेट पर 6 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा हमको बताइए। चलिए निकाल के हमको बताइए कितना हो जाएगा, ब्याज निकालने का फॉर्मूला एस आई हम निकाल रहे हैं यहाँ पर भी। चलिए एस आई निकालिए कितना हो जाएगा बोलिए, आप लोग एस आई निकालिए कितना होगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बोलिए, 45 कितना है, 45 36 पॉइंट कितना आ जाएगा, 45 37.50 ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, जो दिख रहा होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर ई होगा शायद। चलिए इन्हें की आप लोग 45 36 मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए एकदम जो सटीक है वही मारिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 35 नंबर बनाइए। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, 35 नंबर एक बार ट्राई कीजिए, लंबा क्वेश्चन है। चलिए लंबा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए 35 नंबर कैसे बनेगा, एक बार ट्राई कीजिए। ये भी एक्स मान के बनेगा, बिना एक्स के नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में आप लोग को सिर्फ टाइम पास करने के लिए देता है कि लंबा बच्चा उलझ जाए, इसमें टाइम स्पेंड हो जाए,
दस मिनट, पांच मिनट, बस और कुछ नहीं है। चलिए बोला गया क्या, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पे 14% की दर से 3 साल के लिए 6300 रुपया उधार लिया, ठीक है, कुछ राशि बढ़ाकर, ठीक है, कुछ राशि जोड़कर 16% के दर से कितना मान लिया, लिया था कितना 6300 रुपया, उसमें x और जोड़ दिया, 16% के दर से लगाया कितना साल के लिए, बोलिए 16% के दर से लगाया 3 साल के लिए बटा 100 प्लस होगा माइनस होगा, अधिक लाभ हुआ, लाभ हुआ यानी कि माइनस होगा, कोई दिक्कत यहां तक, माइनस होगा तो यहां माइनस लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 6300 के 14% के दर से निकालना, यही ना जी माइनस होगा, बोलिए यहां हो जाएगा क्या 6300 × 14 3 साल के लिए बटा 100 कितना अधिक मिल रहा है 1600 रुपया मिल रहा, देखिए। चलिए अब बनाइए, हमको बताइए अब क्या होगा, उसके बाद फिर आप लोग तो जान रहे हैं इतना बताना क्या है चीज को, 100 उधर जाके गुना हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, बोलिए चलिए इसको काटिए, आप लोग कैसे कटेगा देखिए, तो काटिए इतना तो आप काट सकते हैं, काट कूट के कितना आएगा हमको बताइए, काट कूट के कितना आएगा जो हमको बताइए, उसके बाद हम बताएंगे, देखिए यहाँ बचेगा 4 × 4 = 16 6300 माई प्लस एक्स बटा 25 कोई दिक्कत, 3 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से कोई दिक्कत, इधर कितना बचेगा बताइए, इधर कितना बचेगा, इधर आप लोग बचेगा 882 इधर क्या हो जाएगा, बोलिए उधर जाके गुना हो जाएगा कितना, बोलिए कितना गुना होगा, 3 कॉमन लिए थे तो 3 कॉमन लिए थे तो सब जगह 3 × 2 = 6 तो 206 हो जाएगा, इधर 3 कॉमन लिए थे कटेगा ना, हर जगह कटेगा ना जी, चलिए अब क्या होगा, अब बताइए क्या होगा हमको, बोलिए जी बोला उधर जाके जुट जाएगा क्या हो जाएगा 4 6300 + x / 25 जुड़ेगा कितना हो जाएगा बताइए, जुड़ के कितना हो जाएगा, थोड़ी तो 6 × 2 = 8 8 × 2 = 10 1088 आएगा, 1088 आएगा, उसके बाद बताइए क्या होगा, बहुत लंबा जा रहा जी तो हमको लगता है कि इसमें सेट से दो, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा बोलिए, बोलिए यहाँ गया 6300 + x 1088 × 25/4 कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को, बोलिए अब काटम कुटी की जाए क्या हो जाएगा, बोलिए काट कूट के लाइए खुद आंसर, अब तो इतना कर दिए x का मान लाइए आप लोग खुद, चलिए x का मान आएगा कितना, x का मान आप लोग कीजिएगा कितना आ जाएगा 6800 रुपया आएगा, x का मान कितना आएगा बोलिए, x का मान 6800 रुपया आएगा, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही जवाब होगा, x का मान आ जाएगा 6800 नहीं, x का मान थोड़ा 6800 आएगा भाई, टोटल 6800 आएगा, ठीक है चलिए, तो x का मान 500 आएगा, x इक्वल टू आएगा 500, टोटल हो जाएगा कितना 6300 + 500 चलिए देखिए 6800 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 36 नंबर बनाइए, चलिए बहुत लंबा क्वेश्चन चल गया, बोला गया श्री वर्मा ने 14500 रुपया राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे लिया, ठीक है, ब्याज की किस वार्षिक दर पे इतना रुपया चुकाएगा, चलिए बताइए, ले रहे हैं हम लोग कितना 14500, चुका रहे हैं कितना 21460 रुपया, ठीक है 21460 रुपया में 14500 घटा दीजिए मतलब ब्याज उतना ही मिलेगा, ठीक है चलिए,
अमाउंट कितना है? अमाउंट बराबर कितना? 21,460। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 14,500। एस आई कितना हो जाएगा? घटाइए इसको आप, माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? घटा के देखिए, घटाइए, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6, 14 में से 5 गया 9, ठीक है। यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 20 में से 14 गया तो 6, कोई दिक्कत, मतलब 6960 रुपये हम ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। 6960 रुपये हम ब्याज दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं बोलिए? 6960 रुपये हम ब्याज दे रहे हैं, कितना पे? 14,500 पे। मेरा पास प्रिंसिपल यही था। कितना साल में? 6 वर्ष में दे रहे हैं, ठीक है, बटा 100। हमको निकालना है रेट, 20 से 20 कट लिया। चलिए अब काटम कुटी खेलिए, कितना बार में कटेगा, चलिए काटिए। अब इतना दूर तक ला देते हैं भाई, हर चीज हम ही काटें, बताइए। चलिए काटिए, कितना आएगा? काटिएगा तो आप लोग आएगा 8%, ठीक है, 8% मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा 37 नंबर, देखिए बड़ा धासु क्वेश्चन है। बोला गया है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार देता है, कुछ भाग साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर तथा शेष 12%, 3 वर्ष के बाद इतना रुपया प्राप्त हुआ, तो बताइए। चलिए 12% दर से कितना रुपया दिया था? इसको दो मेथड बनाइए, एक एक्स मान के बनाइए, एक बिना एक्स मान के बनाइए। चलिए बिना एक्स मान के आप लोग बना देखिए, बनता है या नहीं मैं बताऊंगा फिर थोड़ा देर में। चलिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए बिना एक्स माने हुए। कितना ब्याज मिल रहा है? 5,350 रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। ब्याज 1,350 रुपया मिल रहा है, कितना साल में? 1,350 मिल रहा है 3 साल में, 1,350 मिल रहा है 3 साल में, 1 साल में 450, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 4,000 दिए थे हम, ठीक है, 3 साल बाद कितना मिल रहा है? 5,350 रुपये, ठीक है। तो ब्याज 1,350 रुपये हो गया, कितना साल में? 3 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा बोलिए? 450 हो जाएगा, ठीक है। 450 रुपये 1 साल में मिल रहा है, कितना पर? 4,000 पर, बोले 100, कोई दिक्कत। 11.25 रुपया मेरा ब्याज दर है, ठीक है। एक लगाए थे हम 10% की दर से, एक लगाए थे 12% की दर से, अब पूरा लगाया कितना? 11.25 की दर से। चलिए यहाँ हो जाएगा 0.75, यहाँ हो जाएगा 1.25, कोई दिक्कत, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 + 75, 25 + 25 से, कोई दिक्कत। टोटल 4,000 था, टोटल 4,000 था, यहाँ टोटल कितना? 5, 3, 8। पूछा गया क्या? 12% की दर से, 12% की दर से कौन है? 5। चलिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए? 5 × 5 = 2500 मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग, आंसर आ रहा है या नहीं, 2500 आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। देखिए आंसर आ रहा है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास सही जवाब है। किन्हीं को कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। ये हुआ देखिए, इरिगेशन फिर से बनाए हैं, एक एक्स मान के बनाइए वो भी बनेगा, बट थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, इसीलिए हम ये मेथड आप लोग को फॉलो करवा रहे हैं। आइए 38 नंबर देखिएगा, चलिए 38 नंबर एक बार ट्राई कीजिए। 38 नंबर में क्या बोला गया, एक बार ट्राई कीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। बड़ा दिक्कत की बात है,
चलिए बोला गया क्या, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे तो इतना रुपया निपटारा होता है। चलिए ठीक है, इतना रुपया देता है तो वार्षिक भुगतान कितना था, किस्ती पूछा गया है। तो 4% रेट है मेरे पास, तो यदि हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का मान लीजिए 100 था तो 100 ही रहेगा, उसमें तो किस्ती नहीं जुटेगा। और सेकेंड ईयर में कितना रहेगा, 104 हो जाएगा क्योंकि साधारण ब्याज है। तीसरा साल में कितना रहेगा, फिर 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। चौथा साल में कितना जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा टोटल 424। दे रहे हैं कितना हम लोग, 848, यहाँ दे रहे हैं 424 गुने 100, यहाँ से कटेगा, दो बार में कटेगा, इक्वल टू आ जाएगा 200 रुपया पर मंथ, पर साल है 200 रुपया पर साल दे रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा 39 नंबर देखिएगा, चलिए 39 नंबर देखिए, चलिए 39 नंबर बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 39 नंबर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, आप लोग देखिए बनता है या नहीं। बोला गया क्या, बोला गया है आपको कि ए बी को 1.5 वर्ष के लिए 1573 रुपया देने का देने हैं, ठीक है, 1573 रुपया देना है, 6 माह के बाद इतना रुपया देने हैं। चलिए बनाइए, 1573 रुपया किस परसेंट के दर से देना, 14% के दर से 1.5 साल बाद, ठीक है। चलिए 1573 रुपया आपको देना था 1.5 साल के बाद, कितना परसेंट की दर से बताइए, बोलिए, तो हो जाएगा 14% की दर से, देखिए कितना है, 3, 2 इकाई 2, 1, 3, 3/2, यहाँ 14% की दर से देना था, तो 7, 7 3 21 रुपया ब्याज होगा, 100 रुपया था शुरू में थी प्रिंसिपल, तो 121 रुपया देना था, कोई दिक्कत, गुने 100 कर दीजिए, गुने 100 काटेगा कितना रुपया कटेगा, बोलिए 1 3 3 लास्ट में आएगा 13, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1300 रुपया देना था, मान लीजिए, ठीक है 1300 रुपया गया। उसके बाद क्या गया, 14% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष कर्ज दिया, ठीक है, 6 माह के लिए, ठीक है, तो कितना दे रहा है, 14400, कितना 1444 है, 0.50 1.5 वर्ष के लिए, 6 माह के बाद देता है, ठीक है, 6 माह के बाद देगा तो कितना हो जाएगा, 14 × 1/2 यानी कि 7, 100 रुपया ही था, तो मतलब 107 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, गुने 100 कीजिएगा तो आ जाएगा 1350, कोई दिक्कत, यहाँ से काटिएगा 1350 हो जाएगा। तो बोला गया क्या, कितने रुपये देने होंगे, अधिक कितना रुपया दे रहा है बताइए, बोलिएगा 50 रुपया, किसी को कोई दिक्कत समझने में, इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत, 1.5 साल में दे रहा है इतना, 6 महीने में इतना दे दिया, ठीक है, इतना देना, 6 महीने बाद इतना देना है, तो कितना अधिक दे पड़ेगा उसको, 50 रुपया और देना पड़ेगा। चलिए आइए 40 नंबर देखते हैं हम लोग, सॉल्व कीजिए, फोर्टी नंबर में क्या दिया गया देखिए एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बोला गया आशीष ने धन उधार लिया 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, ठीक है, आइए हमको दिखाते हैं आपको बना कैसे ही बनता है, जो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है गिनती में, समझे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लास्ट में पॉइंट दिया हुआ 9 वर्ष के लिए, समझे, वहीं पर कंफ्यूज होता है। देखिए 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, 3 वर्ष के लिए 9% की दर से, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बोलिए, उसके बाद दिया हुआ है 14 वार्षिक दर, ठीक है, 14% की दर से, यदि 9 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज, मतलब टोटल पैसा जो मेरे जो लगा हुआ था 9 साल के लिए लगा हुआ था, तो 2 साल यहाँ लग गया, 3 साल यहाँ लग गया, तो अगला कितना साल के लिए जाएगा, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए कितना परसेंट की दर से, 14% की दर से, कोई दिक्कत, जोड़िए 6 × 12 + 9 = 27 + 14 = 56,
टोटल जोड़िएगा, टोटल कितना दे रहा है यहाँ पे 11400, यहाँ जोड़िएगा 11400 बटा क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, टोटल जोड़िए, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो आप लोग के पास कितना आ रहा है बताइए, 95 100 19 6 14 से 19 25 95 20 25 100 26 20 28 यानी कि 12 ऑप्शन में कोई दिख रहा 12000। चलिए यहाँ तक मेरा सही जवाब हो गया, किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए, क्वेश्चन को समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, कल मैं बताऊंगा नेक्स्ट। आप लोग को हैप्पी वैलेंटाइन डे, आज के दिन आप लोग अपने माता पिता के साथ बढ़िया से गुजारिए, कहीं बाहर मत निकलिए, मेरा यही सलाह है, बाकी आगे आपकी इच्छा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।